जे फिर बीजेपी के नेताओं को सांप सूंघ गया क्या? किसान का हक था, वो हक को मारने के लिए, किसान की आवाज़ को दबाने के लिए कल जो नंगा नाच किया है, ये इनकी कफन में, समझो सरकार की कफन में कील का काम करे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही पी ये जो क्या है कि पोर्टल टोटल रोजगार, बेरोजगार नहीं, बेरोजगार ही है। मैं और मेरे साथी कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण दोष है सरकार का। जब मुख्यमंत्री जी ने भवंतर भरपाई की घोषणा खुद की थी, शर्म आनी चाहिए जेजेपी बीजेपी के नेताओं ने, जब सदन में घोषणा हो चुकी थी तो क्यों नहीं देते पैसा उनको? किसान का हक था, वो हक को मारने के लिए, किसान की आवाज़ को दबाने के लिए कल जो नंगा नाच किया है, ये इनकी कफन में, समझो सरकार की कफन में कील का काम करे। सर, किसान लड़ रहे हैं, कई मजदूर लड़ रहे हैं, लेकिन आप सड़कों पे नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में है या सभाएं, देखिए सड़कों पे आंदोलन, ये समर्थन में किसानों, आपने तो यही कहना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये किसानों का आंदोलन संपूर्ण रूप से गैर राजनीतिक आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी ने सैद्धांतिक तौर से इनका समर्थन किया है, अगर वो इजाजत ये देंगे तब हम आएंगे, वरना हम नहीं चाहते कि इस आंदोलन में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक स्वरूप दिया जाए। यही बात खिलाड़ियों के, खिलाड़ियों ने सब दलों से समर्थन मांगा है। आप भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के नेताओं को सुधबुद्धि क्यों नहीं देते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करूँगा खिलाड़ियों के मामले पर, तो जेजेपी के लोग क्यों नहीं जाते धरने पर, बीजेपी के लोग क्यों नहीं जाते धरने पे? ये जो आंदोलन है दोनों खिलाड़ियों का, किसान का, संपूर्ण गैर राजनीतिक है। आप ये देखो ना, किसान की हिम्मत, इस देश के अन्नदाता की हिम्मत, जिसने अपने 730 किसानों को इस नकम्मी सरकार के गलत कानूनों की वजह से शहीद करना पड़ा, जिसने इस देश की जो होनहार लड़कियां, जिन्होंने भारत का तिरंगा दुनिया में लहराया, उनके मुंह के ऊपर जूता रख करके हरियाणा दिल्ली की पुलिस ने जो ज्यादतियाँ की है, तो कांग्रेस उनका नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन कर रही है, लेकिन जेजेपी बीजेपी के नेताओं को सांप सूंघ गया क्या? कम से कम मोरली और नैतिकता की दृष्टि से तो यहाँ आ जाएं। भविष्य में तो बीजेपी की जो ये नीतियाँ बनी, जनविरोध नीतियाँ, इनका इनको पलटो की सीधा सवाल की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री बनते ही पी ये जो क्या है कि पोर्टल टोटल रोजगार, बेरोजगार नहीं, बेरोजगार ही है, कौशल सब बंद करेंगे। तैयारी कर रहे हो? नहीं, हम सब तैयारी में हैं। देखिए तो चलो फिर दिखाना पड़ेगा तारे भी आने का, आने के नंबर तो नहीं बदल के बिल्लू की डाल, मैं तो वहीं से आया हूँ, अभी वहीं से आया हूँ। थैंक यू। देखो भाई, साफ साफ जयप्रकाश जेपी का कहना है।